नमस्कार दोस्तों, दोस्तों हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं योनि में ढीलापन के बारे में। दोस्तों काफी सारे महिलाओं में यह समस्या देखने के लिए पाया जाता है। बढ़ती उम्र के साथ या फिर ज्यादा संभोग करने के कारण योनि मसल्स ढीला हो जाते हैं। आज की इस वीडियो पर हम इसी टॉपिक पर आपको बताने वाले हैं, योनि मसल्स ढीला होने के कारण और इसका सही इलाज क्या है, पूरा जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका कारण बताऊंगा। योनि मसल्स लूज होने का सबसे पहला रीजन होता है चाइल्ड बर्थ, जब आप बच्चे को जन्म देते हैं, खास तौर पर जब नेचुरली डिलीवरी होता है। ये सबसे पहला कारण होता है योनि मसल्स ढीला होने का। सेकेंड रीजन होता है अगर आप मल्टीपल पार्टनर के साथ संभोग करते हैं, इसके वजह से भी आपकी योनि का इलास्टिसिटी खत्म हो जाते हैं, जिसके वजह से भी आपका योनि मसल्स लूज हो सकते हैं। योनि स्किन में इलास्टिन टिश्यूज ज्यादा होते हैं, अगर आप कोई बड़ा चीज से हस्तमथन करते हैं, इस वजह से भी इलास्टिन टिश्यू खत्म हो जाते हैं और इसके वजह से भी आपकी योनि मसल्स ढीला हो सकते हैं। मल्टीपल डिलीवरी से योनि मसल्स ढीला हो जाते हैं। योनि मसल्स लूज होने से आपको और आपकी पार्टनर को दोनों को कई सारी दिक्कतें आ सकते हैं संभोग करने के समय। इन्हीं सारी समस्या को देखते हुए हम आपके लिए लाए हैं एक 100% प्योर आयुर्वेदिक फॉर्मूला, जिससे आप अपनी योनि की हर तकलीफ को दूर कर सकते हैं, वो भी बिना कोई साइड इफेक्ट। हम आपको बता रहे हैं न्यूट्रली रिगेन वजाइनल टेबलेट के बारे में। ये FDA अप्रूव वाला ब्रांड है, GMP सर्टिफाइड है और ये 100% सेफ है। तो चलिए हम आपको इस दवा के बारे में डिटेल में बताते हैं, आप इस दवा से क्या क्या लाभ उठा सकते। दोस्तों इसका सबसे पहला फायदा, ये योनि मसल्स को टाइट करता है। जो लूज मसल्स होता है योनि का, उसे ये टाइट कर देता है। ये योनि का गंदा बदबू को भी दूर करता है। ये योनि स्किन को सॉफ्ट करता है, स्किनी करता है और खूबसूरत ग्लो देता है। योनि स्किन के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। ये वजाइना की इलास्टिसिटी को सही करता है और ब्यूटीफुल शेप देता है। इस आयुर्वेदिक दवा के सही इस्तेमाल से आप अपने पार्टनर को फुली सेटिस्फाई कर सकते हैं और उन्हें फर्स्ट टाइम सेक्स जैसा फीलिंग दे सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको इसका यूजेस के बारे में बताते हैं, कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसका एक टेबलेट लेके रात को सोने से पहले अपनी वजाइना के अंदर रख के सो जाना है और सुबह उठ के उसे निकाल के फेंक देना है। आपको इसे दिन में एक ही टाइम यूज करना है, बस रात को सोने से पहले अपने वजाइना के अंदर रख के सो जाना है और सुबह उसे निकाल के फेंक देना है। आप इसे लॉन्ग टाइम तक ले सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे आराम से लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं, कोई भी इससे नुकसान नहीं है। दोस्तों आप इसे अपनी नजदीकी आयुर्वेदिक शॉप में देख सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और स्क्रीन में जो नंबर दिख रहे हैं इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, जहाँ से आपको ये दवा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और कोई सवाल हो सुझाव आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखिए। तो दोस्तों मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत